कार्तिक मास कहते हैं, इसी मास की घटना है। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा? अब वही कथा, ये दामोदर लीला है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, 3.5 वर्ष के हैं, कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोर से अपनी आंख मीडी, सोई जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को, घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिच्छ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दई कि हमारे पास आ जा, नहीं मैया कहाँ है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है, और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो, ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के, और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो कु दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात ने करो करे, चल हट जा, मुकू दही बिलोन दे। ना मैया पहले बता, तू कु दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध का ही को प्यारो होगो। अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारो लगू ना? बोले हाँ, अपनी गोद में लिटाए के मुकू अपना दूध पिवाए दे। मैया मुकू बहुत जोर की भूख लगी है, मुकू दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं, आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते हैं। तो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी अनुमान लगाओ। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं, मैया दूध पिया, और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं व्यास मंच से, पर यह इतना सहज है नहीं, अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो, यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था, वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे। यशोदा मैया का दुग्ध पान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही, और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया, अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए, अब ही मैंने पूछी तो को दूध प्यारो कि पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बस दूध के पास भाज गई मैया। हमारे यहां के वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं, क्या
तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूं? तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी, आप ही हमको प्रिय हो। सो ही संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है, हम ठाकुर जी को भूल जैसे संसार की ओर भागते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा झूठ बोला मोते, मोते तो कह रहे हो कि मुको आप प्यारे हो, वह संसार में नेक आकर्षण काबे हो, भाज गयो वा की ओर। ठाकुर जी बोले, मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहे है। यशोदा मैया बोली, लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगो। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के मान जानते हैं, चौकड़ी मार के मतलब हुए बड़े लोग चार कदम जितना दौड़ते हैं, बच्चे उतने में आठ कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे, कभी कोई गली में कूद जाए, कभी कहीं से कूद जाए, कभी कहीं उछल जाए। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही है और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे, मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे? यशोदा मैया बोली, लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुकू, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले, मैया ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? यशोदा मैया बोली, अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी? यशोदा मैया बोली, मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुकू अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली, कहां भयो लाला, आजा। बोले, ना है मैया मैं ना आऊंगो। बोले, क्यों? वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुकू बहुत डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगो। और कहा पर तो तेने या तो दो चार बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले याकू फेंक। मैया बोली, सांची बता, याकू फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे, मैया तू 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 ठीक है जा, तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से, अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले, मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले, मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले।
हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगो, खड़ो रहे पूरे दिन उधम मचावे। यहीं पर हमारे हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी, ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसी छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मैं पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए, मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के उखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी लाकर के मैया ने उखल से लाला के पेट में बांधनी चाही, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगो। मैया ने जैसी उखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये वो छोटी पड़ गई क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे, जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी, अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, इतनी बड़ी रस्सी लेके आई ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा, गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। कहने का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे, वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं, आप कैसे भी ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है, ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है।